महेश भट्ट की जिंदगी हमेशा विवादों में रही। बात चाहे उनकी दोस्ती की हो या दुश्मनी की, वह हमेशा सुर्खियों के केंद्र बन रहे हैं। ऐसे में उन पुराने दिनों की बात करें तो यह बात सभी जानते हैं कि विनोद खन्ना और महेश भट्ट में काफी गहरी दोस्ती थी। विनोद खन्ना को महेश भट्ट पर काफी विश्वास था। यही कारण था कि महेश भट्ट के कहने पर विनोद खन्ना ने महेश भट्ट के भाई को अपना सेक्रेटरी बना लिया था। एक किस्सा बेहद सुर्खियों में है कि जब महेश भट्ट पर विनोद खन्ना को इतना भरोसा था तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि विनोद खन्ना ने मुकेश भट्ट पर दनादन थप्पड़ों की बरसात कर दी। आखिर क्या है यह किस्सा? विनोद खन्ना का फिल्मी करियर काफी अच्छा चल रहा था। विनोद की फिल्में एक के बाद एक लगातार सुपरहिट हो रही थी। इस दौरान अचानक विनोद खन्ना की माँ की मौत हो गई। विनोद खन्ना काफी दुखी और परेशान रहने लगे। तब महेश भट्ट ने विनोद खन्ना को रजनीश के आश्रम में जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ समय अध्यात्म की ओर ध्यान देना चाहिए। विनोद महेश की सलाह पर रजनीश के आश्रम चले गए। उन दिनों महेश भट्ट का पूरा खर्चा विनोद खन्ना ही उठाया करते थे। इस बात का जिक्र महेश भट्ट ने भी एक इंटरव्यू में किया है। विनोद खन्ना रजनीश के आश्रम तो चले गए, लेकिन उनका मन वहाँ भी नहीं लगा। वह अपने काम पर वापस लौटना चाहते थे। यही कारण था कि विनोद खन्ना काफी लंबे समय बाद अपनी फिल्म इंसाफ की शूटिंग के लिए वापस आ गए। इंसाफ के बाद विनोद खन्ना ने एक बार फिर फिल्म जगत में धमाकेदार वापसी की। महेश भट्ट इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने भाई मुकेश भट्ट को प्रोड्यूसर बनाकर विनोद खन्ना को लेकर फिल्म जुर्म की शुरुआत की। जैसा कि उस दौरान अमूमन होता था कि महेश भट्ट अपने साथ काम करने वाले लोगों की फीस देने में अक्सर आनाकानी करते थे। उन दिनों विनोद खन्ना महेश भट्ट के काफी करीब थे, तो महेश भट्ट उन्हें भी पैसा देने में आनाकानी करने लगे। विनोद खन्ना को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनकी पेमेंट ना करने पर विनोद खन्ना को इतना गुस्सा आया कि विनोद खन्ना ने 40 दिन तक शूटिंग को कैंसिल कर दिया। आपको बता दें कि फिल्म जुर्म में मुकेश भट्ट बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहे थे। ऐसे में जब उन्होंने विनोद खन्ना को पैसे नहीं दिए तो विनोद खन्ना ने उनकी फिल्म अटका दी। इसके बाद मुकेश भट्ट और विनोद खन्ना के बीच काफी बहस हुई। इस दौरान विनोद खन्ना भड़क गए। दरअसल विनोद खन्ना की पब्लिक इमेज मुकेश भट्ट की वजह से खराब होने लगी थी। इस पर भड़क कर विनोद खन्ना ने एक दिन स्टूडियो में पहुंचकर मुकेश भट्ट को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान बहस और बढ़ गई तो विनोद खन्ना ने मुकेश भट्ट को दनादन कई चाटे जड़ दिए। फिल्म जुर्म के दौरान दोनों के बीच हुए इस घमासान से दोनों की दोस्ती बिल्कुल खत्म हो गई। मुकेश भट्ट के साथ हुए विनोद खन्ना के इस हंगामे पर महेश भट्ट भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि मैं विनोद खन्ना के इस टॉप बॉय को हीरो बना लूंगा, लेकिन अब कभी विनोद खन्ना के साथ कोई फिल्म साइन नहीं करूंगा। तीनों के बीच हुए इस विवाद के बाद फिल्म जुर्म रुक गई और इसके फाइनेंसर्स ने मुकेश भट्ट की मदद करने से मना कर दिया। इसके बाद विनोद खन्ना ने खुद अपने पैसों से इस फिल्म को पूरा किया और रिलीज किया। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।